अल्मोड़ा जिले के सल्ट में कांग्रेस के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव घनानंद शर्मा ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने गैरसैंण में विधानसभा भवन का निर्माण करवाया था, जिससे यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। कांग्रेस के पार्टी ने पहाड़ के मुद्दों पर भी काम किया है। वहीं भाजपा सरकार पर वार करते हुए कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि पहाड़ों का विकास हो। कांग्रेस की सरकार ने गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाया, उसका निर्माण किया, वहाँ की जनता को रोजगार मिला, वहाँ के लोगों को नज़दीक विधानसभा होने से कोई उनकी समस्याएं दूर होंगी। जो पहाड़ की समस्याएं मूलभूत समस्याएं थी उनको जल्दी से जल्दी वो राजधानी तक पहुँचा पाएंगे। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने पहाड़ की जनता के लिए काम किया था। आज की भाजपा सरकार नहीं चाहती है कि पहाड़ का विकास हो, पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम में आए, इसके खिलाफ काम कर रही है और प्रदेश की जनता के साथ छलावा कर रही है, कपट कर रही है। वो केवल मैदानी क्षेत्रों का विकास चाहती है और पहाड़ी क्षेत्रों का एकदम मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना चाहती है। ये प्रदेश की भ्रष्ट सरकार है।